दोस्तों पैसे उठाओ और हमारे पास आ जाओ, क्योंकि आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मकान, वो भी बस स्टैंड से मात्र 300 मीटर के डिस्टेंस पे। 2 मिनट पूरे लगने हैं आपको अपने मकान से बस स्टैंड तक जाने में, मेट्रो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और मकान प्लॉट के भाव में। बिल्कुल सही सुन रहे हो, कान खोल के सुनना इस बात को, मकान आपको प्लॉट के भाव में मिलने वाला है, और वो भी 20 फीट की गली में मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्रॉपर्टी व्लॉग चैनल पे, और आज आप लोगों के लिए फिर से मैं लेके आया हूँ मकान, वो भी 20 फीट की गली में, आपकी अपनी भाग्य विहार जैन कॉलोनी। भाग्य विहार जैन कॉलोनी में आने के लिए आप यूज कर सकते हैं मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी, सब कुछ, क्योंकि सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। ये कॉलोनी डीडीए से पास है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मकान में मीटर लगा हुआ है, पानी की फिटिंग हुई है, आपको ये मकान रेडी टू मूव मिलेगा। अभी मैं आपको जो दिखाऊंगा वीडियो में, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, पुराना मकान था, लेकिन आपको मिलेगा नई कंडीशन पे, क्योंकि हम इसमें डेंटिंग, पेंटिंग सब कुछ करा के देंगे। बस आपको अपना सामान लेके आना है और मकान में रहना है। तो चलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा कॉलोनी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कॉलोनी का नाम है दोस्तों भाग्य विहार जैन कॉलोनी, डीडीए से कॉलोनी पास है। आप डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं और जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं डीडीए की वेबसाइट से। दूसरा दोस्तों, कनेक्टिविटी जो कॉलोनी की है वो काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मेट्रो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, मुंडका मेट्रो आप सर्च कर सकते हैं। रानीखेड़ा बस स्टैंड है, वो तो आपके मकान से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ई रिक्शा वगैरह, टैक्सी वगैरह की सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, ऑल ओवर दिल्ली में उपलब्ध है। साथ ही साथ में ये जो मकान है आपका अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, जो अभी नया रोड बन रहा है दिल्ली के अंदर, जो कि सीधा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कनेक्ट होगा, वो यहां से मात्र और मात्र 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। आपके लिए एयरपोर्ट जाना है आपको तो पास में, बस स्टैंड पास में, मेट्रो पास में, और डीडीए से पास कॉलोनी। मीठा पानी है कॉलोनी के अंदर, पक्के मीटर लगे हुए हैं, पक्की रजिस्ट्री आपकी हो जाएगी, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मकान प्लॉट के भाव में, आप लोगों को प्लॉट के भाव में मकान मिलने वाला है। चलिए आपको जोरा मकान की तरफ लेके चलते हैं। दोस्तों मकान में चलने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कॉलोनी का। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये कोई आम रोड नहीं है, ये मुंडका मेट्रो से आ रहा है और सीधा कराला जा रहा है, और बीच में आपको मिलने वाला है अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे से प्लस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो कि 1 साल के अंदर अंदर चालू होने वाला है। मतलब आपके प्लॉट के पास ही देखिए बसें आ रही हैं, तो बस स्टैंड है, ई रिक्शा मिल जाएंगे, मेट्रो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और साथ ही साथ हाईवे 500 मीटर के डिस्टेंस पे। आपको यहाँ पर सुबह 5 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक बसेस मिल जाएंगी, वो भी बहुत ही आसानी से। यहाँ पर अलग अलग बसेस आती हैं, उनके नंबर में जो बस के नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना कि आपकी लोकेशन से यहाँ पर कौन सी बस आती है, तो आपको जानने में ईजी रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, हम थे रानीखेड़ा बस स्टैंड पे बिल्कुल सामने, और ये है रानीखेड़ा चौक। सामने वाली गली में आपको 2 बैंक मिल जाते हैं, पंजाब नेशनल बैंक और SBI का बैंक, ठीक है, और यहाँ पर है पंजाब नेशनल बैंक का ATM। साथ ही साथ में ये जो आप रोड और सड़क देख रहे हैं, ये यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट लगती है, और यहाँ से मात्र 200 मीटर के डिस्टेंस पे आपका मकान होने वाला है। चलो मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप साइड में देखोगे तो सारी मार्केट बनी हुई है और सारी दुकानें खुली हुई है, सलून ले लो, लॉन्ड्री ले लो, केमिस्ट ले लो, साथ ही साथ ग्रॉसरी, बर्तन वगैरह की सारी दुकानें यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है, और पक्की सड़क बनी हुई है। हालांकि इस वाले रोड पर अभी सीवर का काम नहीं हुआ है, लास्ट में होगा। देखिए अभी हम सामने से आए थे, यहाँ पर ये आपका कॉर्नर पे दुकान है जूस वगैरह की, ये आपका स्कूल मिल जाएगा, ये 8th क्लास तक स्कूल है, नर्सरी टू 8th क्लास ये स्कूल आपका होने वाला है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपका मकान है बिल्कुल स्कूल के पास में है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्कूल हो गया आपका, जैसे ही आप स्कूल से सीधा निकलेंगे डी ब्लॉक की तरफ, वहाँ पर आपको पहला कट मिलने वाला है। ये मकान आपका सामने बन रहा है, एक तो ये 3 मंजिल बिल्डिंग आपको जो दिख रही है, इसके बगल से 20 फीट की गली जा रही है। ये 3 मंजिल की बिल्डिंग है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आप अकेले भी आके चेक कर सकते हैं। और ये बगल में 20 फीट की गली अंदर जा रही है। गली में सीवर का काम कंप्लीट हो चुका है, मीठा पानी है, आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। सीवरेज कंप्लीट है, रोड कंप्लीट है, मीठा पानी है, मीटर लगा हुआ है और 24 घंटे बिजली है। और यहाँ पर मैं आपको अंदर लेके चलूँ तो ये वही मकान बन रहा है जो आपको रोड पर दिख रहा था। इसमें दुकान प्लस मकान दोनों अटैच होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल आर पार होने वाला है, डबल साइड ओपन। और जो अपना मकान होने वाला है वो सिंगल साइड होने वाला है, वो है ये वाला। दोस्तों मकान में साइड में पलस्तर हुआ है, फ्रंट में टाइल लगी हुई है, हालांकि गाटर और पटरी का यह मकान होने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मकान कुछ इस तरीके का बना हुआ है, जहाँ पर आपको एक फ्रंट में बड़ा गेट मिल जाता है, साइड में छोटा गेट मिल जाता है, अगर आप किराए पर देना चाहें तो ऊपर से कोई भी जा सकता है, सेपरेट हो जाएगा। और साइड में एक विंडो है, ऊपर वेंटिलेशन के लिए 2-2 पॉइंट दिए हुए हैं।
गेट मैंने खोला और इसके अंदर चलते हैं। आप लोग चेक करिए, मकान थोड़ा सा नीचे है, बिल्कुल देखिए 4 इंच लगभग ये नीचे है, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को हम इसको कंप्लीट करके देंगे। सबसे पहले देखिए ये विंडो है, ऊपर एडजस्ट लगा रखा है, और ये बड़ी सी किचन आपको मिलने वाली है। किचन का साइज़ आप देखेंगे काफ़ी बड़ा है, एल टाइप की ये जो किचन है, सिंक वगैरह सब लगी हुई है, टूटी वगैरह सब कुछ लगी हुई है, तो आपको कुछ भी यहाँ पर कराना नहीं है, यह आपको बिल्कुल ओके मिलेगी। टाइल भी लगी हुई है काफ़ी हद तक। अब चलते हैं हम आपको अंदर वाले रूम में लेके, साथ ही साथ में यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर नीचे पानी की फिटिंग वगैरह हो रखी है, मोटर लगी हुई है, ठीक है। अंदर चलेंगे तो ये हमारा वॉशरूम है जो अटैच भी है और कॉमन भी है, ठीक है, आप इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा रूम, मकान का रूम होने वाला है, और रूम भी आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, इसमें एक डबल बेड आप रख सकते हैं, उसके बाद भी काफ़ी सारा स्पेस बच जाएगा, और मजबूत गाटर का है ये, ठीक है। हल्का सा इसका फर्श क्रैक है और ये हम आपको करा के दे देंगे, कोई इशू नहीं है। और ऊपर देख सकते हैं, ऊपर वेंटिलेशन है, और यहाँ पर आप थोड़ी सी स्टोरेज भी बना रखे, सामान अपना रख सकते हैं जो भी आपको रखना हो, ठीक है। बहुत सारा सामान हो जाता है घर में अपने घर होने के बाद। और इस साइड से देखिए, जो मैं आपको बता रहा था ये सेपरेट है, अगर आप इस दरवाजे को लगा देंगे और इस वाले को खोल देंगे तो ये आपका सीधा चला जाएगा, एक सेपरेट आप इसको किराए पे दे सकते हैं, और आराम से यहाँ पर 2500 से 3000 एक रूम का किराया आपको मिल जाएगा। और एक रूम यहाँ पर बना भी हुआ है, देखिए यहाँ पर पूरा पलस्तर वगैरह हो रखा है, थोड़ा सा जो पलस्तर ख़राब है वो सब ओके हो जाएगा डेंटिंग वेंटिंग करा के। और ऊपर हम चलेंगे तो यहाँ पर आप चेक करिए, ये है हमारी मोमटी जिसमें एक अटैच वॉशरूम छज्जे में बना हुआ है, ठीक है। और ये काफ़ी खुला खुला आपका जो है एरिया होने वाला है छत का। यहाँ पर चेक करिए, ये है हमारा एक रूम जिसमें मिस्त्री साहब रहते हैं अभी हमारे, तो इसको मैं अभी खोलूँगा नहीं क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। और ऊपर आप चेक करेंगे, ये टीन वगैरह डली हुई है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ ये रोड से कितना पास में है, ये जो सीधा रोड आप ग्रुप रेम से देख रहे थे आ रहा था रानीखेड़ा बस स्टैंड से, ये जो रोड है सीधा रानीखेड़ा बस स्टैंड से आ रहा है और बिल्कुल पीछे है, मतलब आपके मकान से पीछे ही रोड है, बस एक ही बीच में दुकान आएगी 17 गज की और सीधा फिर वो रोड होने वाला है। अगर आपको दुकान चाहिए तो दुकान भी मिल जाएगी, ये जो दुकान बनी हुई है उसके बिल्कुल बगल वाली वो हमारी है, वो भी आपको मिल जाएगी, आप आएंगे तो बात कर लेंगे इस बारे में। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये पूरा हमारा जो मकान है वो इस तरीके का होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही रीज़नेबल रेट पर आज आपको ये मकान मिलने वाला है। और गली भी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी खुली हुई गली है, चेक करिए, बिल्कुल एंड तक खुली हुई है, बिल्कुल यहाँ पे लोग बहुत अच्छे रहते हैं, शांति है गली में, आपको कोई भी इशू लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो गली है इस साइड से ओपन भी है, बाकी कॉलोनी जो है वो पूरी भरी हुई है, देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत कॉलोनी है और काफ़ी अच्छी भरी हुई है। तो मकान की हाइट भी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आई होप आपको ये मकान भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब आपको मैं थोड़ी सी गली दिखा देता हूँ, ये जो गली है बिल्कुल सेकेंड लास्ट आपका मकान है, ये लास्ट वाला जो मकान है उससे सेकेंड लास्ट आपका है, और कुछ इस तरीके से दिखता है, फ्रंट में टाइल है। तो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे आपको ये मिलने वाला है, इतनी चौड़ी गली में अपनी गाड़ी भी आप यहाँ पर आराम से पार्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और रोड से बिल्कुल पास में ही होने वाला है, साइड में पलस्तर है। तो आइए अब इसकी प्राइस की बात करते हैं। तो दोस्तों मकान आप लोगों ने चेक कर लिया, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। मकान आपको जिस कंडीशन में वीडियो में दिखा है इस कंडीशन में मिलेगा नहीं, मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, इसकी डेंटिंग पेंटिंग हम आपको करके देंगे, रेडी टू मूव आपको मिलेगा, सिर्फ आपको आना है और यहाँ पर रहना है, और मकान आपको मजबूत मिलेगा, 5 साल 7 साल आप इसमें आराम से रह सकते हैं। बस स्टैंड पास में है, मेट्रो पास में है, अर्बन एक्सटेंशन रोड पास में है, हाईवे सब कुछ पास में है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं किसी भी चीज़ की। अब बात करते हैं भाव की। दोस्तों अगर आज की डेट में आप कभी भी भाग्य विहार कॉलोनी आए होंगे या आप आगे आएंगे तो आप पाएंगे कि भाग्य विहार कॉलोनी में अंदर जाके जो रेट है वो पतली पतली गलियों में 15-15 फीट की गलियों में 30,000 से लेकर 32,000 रुपए का रेट है। तो अगर मैं प्लॉट के भाव की बात करूं 20 फीट के गली के हिसाब से तो ये 17 लाख का पड़ता है। अगर मैं प्लॉट के भाव की बात करूं तो ये आपको 17 लाख का पड़ता है, लेकिन आपको मैं मकान दे रहा हूं तो इसका प्राइस थोड़ा सा आपको प्लॉट से ज्यादा देना पड़ेगा, जिसमें आपको रेडी टू मूव मकान मिलने वाला है। इसका जो प्राइस हमने लिखा है वो 19 लाख रुपए रखा हुआ है, और इसमें भी आपका मान सम्मान जरूर किया जाएगा। जल्दी से आओ और इस मकान को अपने नाम करो। जय हिंद, जय भारत।